वहाँ रहते थे और मैंने कभी जॉब नहीं की। सबसे पहली चीज़ बताऊँ, जब मैं 8th क्लास में था तब से मुझे बिजनेस समझ में आ गया था और समझ में ये आया था कि यार जॉब करने में तो कोई मज़ा नहीं, क्योंकि मेरे फादर आसमान ऑफिसर थे, उनकी मैं लाइफ स्टाइल देखता था। लाइफ स्टाइल मतलब कि गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, टाइम नहीं है। कहीं जाना है तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी हुई है 2 महीने से, अब मिली नहीं छुट्टी, क्या करो। कई बार तो सिचुएशन ऐसी आती थी, कुछ मैरिज मिस करनी पड़ती थी, कभी कोई फैमिली फंक्शन मिस करना पड़ता था, वो सब चीज़ें मुझे समझ में आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने डिसाइड किया 8th क्लास में मुझे कभी जॉब नहीं करना। 99 से मैंने बिजनेस शुरू किया, जब मैं सेकेंड ईयर में था LIC का काम शुरू किया, जनरल इंश्योरेंस जैसे गाड़ी दुकान वकान इनका इंश्योरेंस शुरू किया साथ में। फिर समझ में आया बहुत सारी कंपनियाँ आ गई, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, अब क्या करो। फिर मैंने अपने बिजनेस को चेंज किया, मैं चलो यार सोशल वर्क करते हैं, अच्छे पैसे हैं। आप लोगों को लगता है कि सोशल वर्क पैसे होते हैं? नहीं, मैंने MSW किया हुआ, मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो मैंने अपना NGO खोल लिया, मुझे पता चला कि चलो यार NGO में कुछ अच्छे पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, पैसे मिलते हैं, उसमें कुछ पैसे बचा लेंगे। लेकिन होता ये था कि पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे पैसे चले जाते थे। तो मैंने बोला यार ये क्या हो गया। फिर ये करते 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 एक बार मुझे एक बहुत अच्छे सज्जन मिले, जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पावर बताया। वेस्टीज मेरी पहली नहीं दूसरी कंपनी है, इससे पहले हमारी एक अच्छी कंपनी में था, 3.5 साल मैंने वर्क किया और एक अच्छे लेवल तक भी पहुँचा उस कंपनी में। लेकिन वहाँ पे हर महीने सांप सीढ़ी वाला गेम खेलना पड़ता था, जो कि मुझे कभी पसंद नहीं आता था। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क का पावर क्या होता है, हर महीने जॉब जैसे काम करो या कुछ सालों तक काम करो फिर आराम से इंजॉय करो, ज़्यादा अच्छा क्या है। कुछ सालों तक काम करो, मेहनत करो, फिर लाइफ टाइम इंजॉय करो। तो वहाँ पे भी समझ में आया। फिर मेरे एक फ्रेंड मिस्टर दिपेश जी के लिए मैं तालियां चाहूँगा, जो काम डायरेक्टर, उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया कि यार वेस्टीज क्या है। मैंने फिर दोनों कंपनियों का प्लान देखा, दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट देखे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मैंने देखी, क्योंकि हम कभी भी मार्केट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि अरे यार ये बेकार वाला प्रोडक्ट है, सस्ता, चलो नेचर वैसा करते हैं क्या, पर ऐसा तो नहीं करते ना। मैं भी ऐसी नहीं करता था। तो समझ में आया जब मैंने एक कंपनी को बता रहे लेकिन इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो चेक करें, बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स थे, वेस्टीज बताया उन्होंने। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, कैसे अच्छे हो सकते हैं। जब मैंने उसके डेमो देखे, उसको यूज़ करके देखा, तब मुझे विश्वास हुआ यार ऐसा भी हो सकता है, इतने सस्ते प्रोडक्ट्स भी अच्छे हो सकते हैं। धीरे 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 मैंने शुरू किया और 2.25 साल है आज मैं डायमंड डायरेक्टर के पोजिशन पर हूँ। MP में इंदौर में जो एक अवार्ड फंक्शन होता है उसमें मुझे रिकॉग्नाइज किया गया और अच्छी डायरेक्टर ट्रॉफी मिली। और मज़े की बात ये, सबसे पीछे बैठा करता था, स्कूल टाइम से सबसे पीछे के बेंच में बैठने वाला स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा बनता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के पावर ने मुझे इस काबिल बना दिया कि सबसे पीछे की सीट से उठ के उठा के स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये पावर बस एक चीज़ और कहूँगा, लर्निंग को लेके मेरा क्या सोचना है, मैं कभी हारता नहीं, या तो सीखता हूँ या जीतता हूँ। थैंक यू।